हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट डिज़ाइनर ऑनलाइन में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबको हैप्पी मदर्स डे, और आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और मैं आपके लिए आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको सेमी पटियाला की सलवार की कटिंग सिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जिनने अभी से सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, अब हम करेंगे वीडियो स्टार्ट। पहले हम सेमी पटियाला काटेंगे, नॉर्मल पटियाला, तो जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। और आप पटियाला लेंगे तो आपको 3-3.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लंबाई के निशान लगाएंगे 6.5 इंच बेड का छोड़ के, हम जितनी लंबाई रखनी है 35.5 पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। फिर हम इसको कट कर देंगे। कट कर दिया है हमने, तो अब हम इसके सारे कुंदे काट लेते हैं। तो अब हम इसकी जितनी हमें लंबाई नाप लेते हैं, हमें कितनी रखनी है इसकी चौड़ाई 25। यहाँ से नेफे में हम निशान लाएंगे, 9 इंच लंबाई रखेंगे यहाँ से यहाँ तक की। फिर 6.5 इंच मोरी का निशान लाएंगे, उससे 1.5 इंच आगे निशान लगा देंगे। हमारा एक तरफ का कुंदा कट, हम इसको कट कर देंगे। उसमें साइड में पुटका लगा देंगे। फिर यही पार्ट रखते हुए दूसरे कुंदे भी ऐसे काट लेंगे हम। उसको बीच में से भी कट कर लेंगे, कट कर लिया है। कोई बचा हुआ कपड़ा हम मोरी के लिए यूज़ कर लेंगे, इसको हम साइड को रख देते हैं। फिर हम बेल्ट के लिए कपड़ा जो लिया था हम वो ले लेते हैं, जो हमने साइड में से निकाला था। बेल्ट हम रखेंगे 25 से 24 इंच। अगर हमारी हिप पैसा हमने रखा है जंपर का, हमारा हिप है अगर 22, तो हम बेल्ट रखेंगे 25, उससे 3 इंच बढ़ती। तो हम उसको एक साथ कर लेंगे। फिर हम उस पर लिख देंगे ताकि हमें ध्यान रहे। फिर अब हम इसमें से मियानी काट लेंगे बचे हुए कपड़े में से, इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर सीधी लाइन करेंगे एक 6.5 पे निशान लगा के, नीचे से हल्का राउंड शेप देते हुए, जैसे मैं 2 इंच का निशान लगा के ऊपर के बीच के सिरे से मिला देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी मियानी कट गई है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो हमारी सेमी पटियाला की कटिंग हो चुकी है, ये हमारी बेल्ट हो गई है, ये हमारे साइड के पार्ट्स, और ये कुंदे, और ये हमारी मियानी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा पसंद आई, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और जिनने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको
रमज़ान में अच्छी से अच्छी कटिंग बताता रहूँ, और जो भी आपको कटिंग नहीं सीखनी है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय फ्रेंड्स।